Hello children, welcome to Asa Education. आज हम कर रहे हैं चैप्टर Women Change the World, Civics Book, Grade 7 से. इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज देखते हैं. How do you think stereotypes about what women can or cannot do affect women's right to equality? ये जो एक पहले से धारणा बनी हुई है कि women क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, इससे जो women की right to equality है उस पर असर पड़ता है. Stereotypes about what women can or cannot do affect the women's right to equality because they are termed weak and incapable of doing strong work. ये जो धारणा है उसकी वजह से क्या होता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि women जो है वो तो weak है, वो एक अच्छा strength वाला जो काम है वो तो कर ही नहीं सकती. It is because of this reason women are called inferior to men. और शायद यही कारण है, इसकी वजह से विमेन को समझा जाता है कि वो जो है मेन से इन्फीरियर हैं, यानी मेन के मुकाबले काफ़ी कम हैं. दे आर पेड फ्यूअर सैलरीज वेजेस देन द मेन काउंटर पार्ट्स. उनको इसी वजह से सैलरी या वेजेस भी कम दिए जाते हैं कि नहीं, वो मेन के मुकाबले कम काम कर सकती हैं. लिस्ट वन रीजन वाई लर्निंग द अल्फाबेट वॉज सो इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन लाइक रशुंद्री देवी, रमाबाई एंड रोकैया. पढ़ना लिखना क्यों इतना इम्पोर्टेंट था इन वुमेन्स के लिए, जैसे राशुंदरी देवी हैं, रमाबाई हैं या रुकैया हैं. इट वॉज बाई लर्निंग द अल्फाबेट वुमेन लाइक राशुंदरी देवी, रमाबाई एंड रुकैया वर एबल टू राइट लेटर्स, स्टोरीज एंड ऑटोबायोग्राफीज विच डिस्क्राइब देयर ओन स्ट्रगल अगेंस्ट इनइक्वालिटी प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी. लिखने के पढ़ना जो उन्हें सीख लिया उसकी वजह से ही वो लेटर्स लिख पाई, स्टोरीज लिख पाई, ऑटोबायोग्राफी लिख पाई, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से विमेन जो है वो स्ट्रगल कर रही है एक इनइक्वालिटी जो समानता समाज में चल रही है मेन और विमेन को लेके, उसमें क्या विमेन का संघर्ष होता है, उसको वो डिस्क्राइब कर पाई जब उन्होंने लिखना पढ़ना सीखा. पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन. जो गरीब लड़कियां होती हैं वो स्कूल से जल्दी छोड़ देती हैं स्कूल, क्योंकि उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता. री रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑन द पेज 62 एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ये स्टेटमेंट सही क्यों नहीं है, आप लास्ट पैराग्राफ जो पेज 62 पे है उसको पढ़ो और फिर बताओ. तो अब इसका आंसर क्या है, दिस स्टेटमेंट पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन इज नॉट ट्रू बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. क्या कारण है, देर आर नो फैसिलिटीज इन रूरल एरिया स्पेशली इन आदिवासी एरिया. अगर ट्राइबल एरियाज में चले जाओ वहाँ पर कहीं ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहाँ लड़कियाँ स्कूल में पढ़ने जा सकें. नॉट इवन प्रॉपर स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स भी नहीं है. नो टीचर इन द स्कूल्स ऑन रेगुलर बेसिस. स्कूल्स अगर बन गए हैं तो टीचर्स वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे नहीं आते. नो स्कूल्स नियर देयर होम्स, घर के पास कोई स्कूल नहीं है. नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एट द स्कूल्स आर फार अवे. अगर बाई चांस पढ़ने का मन है, स्कूल दूर है, तो जाने के लिए समस्या है, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है. फैमिली इज टू पुअर टू अफोर्ड स्कूलिंग एक्सपेंसेस. जो परिवार है वो इतना गरीब है कि वो स्कूल के जो खर्चे हैं वो ही नहीं उठा पाता. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स. यहीं पर भेदभाव बहुत ज़्यादा है कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स को लेकर. प्रेफरेंस फॉर बॉयज फॉर एजुकेशन नॉट गर्ल्स. लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि नहीं, लड़के पढ़े लिखे होने चाहिए, लड़कियाँ नहीं होनी चाहिए. तो यही सब कारण है जिसकी वजह से जो लड़कियाँ होती हैं, गरीब लड़कियाँ, वो जो हैं स्कूल एजुकेशन से बाहर हो जाती हैं. कैन यू डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट द वुमेन मूवमेंट यूज टू रेज इश्यूज. दो ऐसे मेथड बताइए संघर्ष के जो वुमेन मूवमेंट्स जो हैं वो करते हैं ताकि अपनी आवाज़ या मुद्दों को उठा सकें. इफ़ यू हैव टू ऑर्गेनाइज अ स्ट्रगल अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू, What method would you employ from the ones that you have read about? अगर आपको कोई एक struggle organize करना है इन stereotypes के against कि women क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती, तो आप कौन सा method अपनाएंगे, जो इनके जिन methods के बारे में आपने पढ़ा है उसमें से कौन सा method आप अपनाएंगे? And why did you choose that particular method? क्यों आप उस particular method को choose करेंगे? तो two methods of struggle that the women movement use है, एक है campaigning to fight discrimination and violence against women. Women groups spoke against dowry debts, sexual harassment. एक है भेदभाव और ये जो हिंसा हो रही है वुमेन्स की उसके अगेंस्ट कैंपेन चलाना. वुमेन ग्रुप्स जो हैं वो बात करें डाउरी से रिलेटेड, दहेज संबंधी जो डेथ हो जाती हैं, सेक्सुअल तौर पे हैरेस किया जाता है उसके खिलाफ. लॉज वर फॉर्मुलेटेड इन 1997 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट. कानून बने थे जिसमें 1997 में, जिससे वजह से जो वुमेन हैं वो फाइनली सेक्सुअल हैरेसमेंट से उनकी रक्षा करी जा सके. एंटी डाउरी लॉज वर पास इन द 1980s. इसी तरह एंटी डाउरी लॉ जो है वो पास करी गई 1980 में. दूसरा है रेजिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना.
इट इज इम्पोर्टेंट टू पार्ट टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स राइट इश्यूज. वुमेन को लेकर जो मुद्दे हैं, उनके जो अधिकार हैं, उसको लेकर भी पब्लिक को जागरूक होना जरूरी है. पब्लिक रैलीज डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द मैथड यूज, ऐसे में पब्लिक रैली डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन करे जाते हैं, ये सब तरीके अपनाए जाते हैं. वी वुड यूज रेजिंग अवेयरनेस, यानी कि जो जागरूकता फैलाना है हम उसको इस्तेमाल करेंगे. दिस वे वी विल बी एबल टू लेट पीपल नो अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन एंड गैदर देयर सपोर्ट रेजिंग अवेयरनेस. इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि हम लोगों को उस भेदभाव के बारे में बता सकते हैं, साथ ही साथ उनका सपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं एक जागरूकता क्रिएट करने में. इट इज क्रिएटिव एंड पॉजिटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द व्यूज एंड थॉट्स ऑफ पीपल ऑन द कंसर्न इश्यूज एंड इन्वॉल्विंग मोर पीपल. बहुत ही क्रिएटिव और पॉजिटिव तरीका है अपने व्यूज को सामने रखने का, जो विचार है लोगों के उनको और पर्टिकुलर मुद्दे पर, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है. दिस वे द पीपल हु आर क्लूलेस अबाउट वुमेन्स प्रॉब्लम और अनअवेयर वुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व. ऐसे में जिन लोगों को इन वुमेन प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है न जागरूक है, वो भी जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चंस. अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल ASA Education. Bye.